नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डिनर में कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, तो चलिए एक नज़र इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज को लिया है, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, हरी पत्ती की धनिया को भी लिया है। इधर आलू, गोभी और परवल को लिया है। इधर शिमला मिर्च, बीन्स, टमाटर, हरी मटर, गाजर, बोड़ा को लिया है। इन सभी सब्जियों को मैंने पहले से ही धो के रखी थी। अब सभी को बारीक काटूंगी। आग हमारा जल रहा है, कढ़ाई में तेल डालती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हींग तेज पत्ते का तड़का लगा रही हूँ। प्याज डालेंगे, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को डालेंगे। हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। कटी हुई आलू डालकर भूनेंगे। परवल डालेंगे, इसके बाद गोभी डालेंगे। सभी सब्जी को डाल के भूनेंगे। मिर्च डालेंगे, बीन्स डालेंगे, गाजर डालेंगे, बोड़ा डालेंगे,
हरी मटर डालेंगे, इसी तरह से सभी सब्जियों को डालते हैं। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से तैयार होती है हमारी मिक्स सब्जी। यहाँ पे मैंने टमाटर को सबसे लास्ट में यूज किया है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे मैं गेहूं का आटा ली हूँ, इसमें घी, अजवाइन, नमक डालेंगे। इसको डालने से पूरी हमारी सॉफ्ट बनती है और खाने में स्वादिष्ट भी लगती है। इसमें पानी ऐड करके इसका डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं छोटी छोटी लोइयां बना रही हूँ। लोइया मैंने बना ली हूँ, अब मैं पूड़ी बनाती हूँ। मिक्स सब्जी हमारी बन गई है। इसमें धनिया डालती हूँ। धनिया डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। मिक्स सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं सोयाबीन ऑयल का यूज की हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें पूरी को छानते हैं।
इसी तरह से सभी पूड़ी को बनाऊंगी। पूड़ी के साथ मिक्स सब्जी बहुत अच्छी लगती है खाने में। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट करना न भूलें। पूड़ी और मिक्स सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। आप भी इसे बनाइए और इसके जायके का आनंद लीजिए। धन्यवाद।